Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 12, reproduction in plants. In today class we discuss a new topic, fruit and seed formation. Okay, in previous topic we understand what is fertilization. ठीक है, और इस टॉपिक में हमें पढ़ना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट चेंजेस अकर. ओके, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट. जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये देखिए एक पिस्टिल का डायग्राम है, ऊपर ये स्टिग्मा, ये स्टाइल एंड ओवरी. ओके, ओवरी क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट हो गया ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर. ओके, ओवरी कन्वर्ट हो गई किसमें, फ्रूट में. एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, जिस भी फ्लावर की बात हो रही है उसमें और भी पार्ट होंगे, जैसे सेपल है, पेटल है, एंथर है, दूसरी चीजें जो भी हैं. तो क्या होगा, जैसे ही रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जितनी भी अदर चीजें होती है ना, सेपल, पेटल या दूसरे एंथर जो होते हैं, वो फॉल ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं. ठीक है, द फ्रूट इज रिफाइंड ओवरी. अब जो ये फ्रूट है धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, ओवरी से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रूट में. द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स. देखिए हर ओवरी के बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी में एग होता है. ठीक है, तो ये जो ओव्यूल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सीड बनाना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, जो ये ओव्यूल, ये जो राउंड शेप दिखाई दे रही है ये ओव्यूल है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, सीड के अंदर कन्वर्ट होगा. ओके, देन सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है. तो ये बीच में जो एग था वो फर्टिलाइजेशन के बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया. तो सबसे बाहर क्या है, फ्रूट, देन आफ्टर सीड, एंड सीड के इनसाइड में क्या है, एम्ब्रियो. आई थिंक इट्स क्लियर. ओके, और जो सीड है यानी जो ये ओव्यूल वाला जो पार्ट है जो सीड बना रहा है, तो आपने देखा होगा सीड के बाहर एक आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग सीड कोट होता है, बाहर से थोड़ा हार्ड होता है, वो यही पार्ट होता है. ठीक है, द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो एंड क्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट. जो सीड है और जो उसके अंदर एम्ब्रियो है वो एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग से प्रोटेक्ट रहता है, एनक्लोज रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं. तो आपने सीड कोट वर्ड तो आपने छोटी क्लासेस में बहुत पहले रीड कर लिया होगा ना, सीड कोट प्रोटेक्ट करता है सीड को और उसके इनसाइड में जो एम्ब्रियो है उसको. सम फ्रूट्स आर फ्लैशी, आपने देखा होगा कुछ फ्रूट बहुत फ्लैशी होते हैं ना, जैसे ऑरेंज की बात कर लें, है ना, एप्पल की बात कर लें, तो ये बहुत फ्रेशी और जूसी फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो एंड ऑरेंज. ओके, सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक एलमंड्स, वॉलनट्स. आपने खाएंगे एलमंड्स और वॉलनट्स, जूसी होते हैं क्या, नहीं, ये थोड़े से हार्ड होते हैं. तो फ्रूट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ जूसी होते हैं और कुछ थोड़े से हार्ड होते हैं. नेक्स्ट, अब सीड बन चुका है तो हम सीड डिस्पर्सल पे पढ़ते हैं कि व्हाट इज सीड डिस्पर्सल एंड व्हाई इट इज नेसेसरी. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस. एक टाइप का ही जो प्लांट है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपने देखा होगा ग्रो होता है. भाई कुछ प्लांट्स आपके घर के आसपास में होंगे, कुछ प्लांट्स मेरे घर के आसपास में, वो भी सेम टाइप के, है ना. दिस हैपन बिकॉज सीड आर डिस्पर्स्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. तो सीड डिस्पर्सल के कारण ही वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं. समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और फील्ड और अ पार्क. आप कभी फॉरेस्ट में से जा रहे हो या किसी पार्क में से जा रहे हो या आपके घर पे खेत हो या आप कभी किसी खेत या फील्ड में जा रहे हो, तो आप देखेंगे जब आप उनके आसपास से निकलते हैं तो यू मे हैव फाउंड सीड और फ्रूट्स स्टिकिंग ऑफ देयर क्लोथ्स. कुछ सीड जो होते हैं ना वो आपके क्लोथ्स पे क्या हो जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं. ड्यू टू ट्राई ऑब्जर्व हाउ दी सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स. कैसे वो सीड्स आपके क्लोथ्स पर हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा उनके ऊपर छोटे छोटे से स्पाइन्स बने होते हैं, है ना. एक राउंड कलर का भी आता है सीड, है ना, राउंड होता है सीड, तो वो उसमें भी छोटे छोटे स्पाइन्स बने होते हैं जो जिसके कारण वो हमारे क्लोथ्स पे क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. What do you think will happen if all seed of a plant were to fall at the same place? अगर एक प्लांट के जितने भी फ्रूट हैं और उनमें जितने भी सीड हैं, अगर वो उसी जगह पर उसी प्लांट के आसपास ही गिर जाएं, तब आपने सोचा है कि ऐसा तब क्या होगा, क्यों नहीं होता ऐसा कि एक ही जगह पर वो सारे प्लांट गिर जाएं, भाई एक एरिया हो जाए, यहाँ सिर्फ मैंगो के ट्री ही होंगे, दूसरी जगह पर कहीं नहीं होंगे. आपने कभी ऐसा देखा है, नहीं ना. लेकिन ऐसा होता तो क्या, क्यों नहीं होता ऐसा, ये रीजन है. अगर आपसे पूछें कि
सीड डिस्पर्सल नेसेसरी क्यों है, तो अपन जो अब रीड कर रहे हैं ये उसका आंसर होगा, ठीक है। तो सीड डिस्पर्सल अगर नहीं होगा, सेम प्लांट के पास में सारे सीड गिर जाएंगे, तो देयर वुड बी सेवियर कॉम्पिटिशन फॉर, तो उसी प्लांट के सारे सीड वहां पर गिरेंगे तो वहां पर कॉम्पिटिशन होगा किस चीज का, सनलाइट का, वाटर एंड मिनरल्स जो है उनके लिए, और स्पेस के लिए ऑब्वियस। एज अ रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इन टू अ हेल्दी प्लांट। तो इतना कॉम्पिटिशन अगर कोई सीड लेगा तो क्या वो प्लांट ग्रो हो सकता है? नहीं ना। तो इतना हेल्दी प्लांट में डेवलप हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। प्लांट बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल, इसीलिए प्लांट अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो होए, इसीलिए सीड डिस्पर्सल क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इट प्रिवेंट कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट्स। तो ये क्या करता है, कॉम्पिटिशन को प्रिवेंट करता है किसके बीच में, प्लांट्स के बीच में। ओके, इट्स ऑन सीडलिंग सनलाइट, खुद के जो सीडलिंग है ताकि उनमें कॉम्पिटिशन नहीं हो, प्रॉपर उनको सनलाइट मिले, वाटर मिले एंड मिनरल्स मिले। क्लियर? तो इसीलिए सीड डिस्पर्सल जो है वो क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। इट ऑल्सो इनेबल द प्लांट टू इन्वाइट न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। और सीड डिस्पर्सल से क्या होगा, उन सीड्स को न्यू हैबिटेट्स मिलेंगे और बहुत दूरी पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो बहुत दूरी दूरी तक हमें वो प्लांट्स मिलते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड। अब ये जो सीड है किसी भी प्लांट से रिलीज हुए हैं तो वो बहुत स्पेस तक कैसे जाते हैं, बहुत स्पेस तक कैसे जाएंगे, फर्स्ट विंड, वाटर एंड एनिमल्स। विंड के थ्रू जा सकते हैं, कुछ लाइट सीड होते हैं तो वो विंड के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं, वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं एंड एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं। देखिये जो भी सीड विंड के थ्रू ट्रांसफर होगा, है ना, कोई भी सीड अगर विंड के थ्रू ट्रांसफर होगा तो उसमें कुछ करेक्टर्स होने जरूरी है। एक तो स्मॉल प्लस लाइट इन वेट, और कुछ हेयरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आपने ना गर्मियों में देखा होगा एक सीड ऐसा होता है उसमें हेयर हेयर से दिखाई देते हैं, है ना, देखा है आपने, तो सेम उसी तरीके से। तो सीड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर हो, बहुत लाइट इन वेट हो, ठीक है, तो ऐसे सीड विंड के थ्रू इजिली ट्रांसफर हो सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है ड्रम स्टिक, मैपल, ग्रासेस, आक एज अ हेयरी सीड, जो आक का प्लांट होता है ना उसमें छोटे छोटे हेयर्स व्हाइट कलर के होते हैं जो आप ज्यादातर जून जुलाई में आसपास देखते होंगे। कुछ सीड डिस्पर्सल ऑफ वाटर, ये ड्रम स्टिक एंड मैपल हो गया, और कुछ सीड जो होते हैं वो किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं, वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। दीज फ्रूट्स और सीड्स usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat in coconut. आपने coconut देखा है तो fibrous outer coating होती है जिसकी वजह से easily वो float कर पाता है, spongy होता है, है ना, तो इस वजह से प्लांट वाटर के थ्रू जो ये सीड है वन प्लेस से अदर प्लेस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। सम सीड आर डिस्पर्स बाय एनिमल, कुछ सीड एनिमल्स के थ्रू भी डिस्पर्स हो जाते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स जो होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं विद हुक्स which get attached to the body of animals and are carried to distinct places, example xanthium and urena. xanthium और urena के जो plants हैं उनमें इस तरीके की चीजें hooks present होते हैं और वो easily किसी भी animal के साथ में attach होकर एक place से other place पर चले जाते हैं। Some seeds are dispersed when the fruit bursts with sudden jerk. और कुछ सीड क्या होते हैं, सडन जर्क के कारण क्या होते हैं, एकदम एक्सप्लोड होते हैं, उनकी अपर ड्राई जो स्किन है वो ड्राई होती है और ओपन होती है सडन, और सडन ओपन होने के कारण उसके अंदर के जितने भी सीड हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, बहुत दूरी पर स्कैटर्ड, फार अवे हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से। दिस हैपन इन केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम। कैस्टर और बाल्सम में इस तरीके का सीड डिस्पर्सल प्रेजेंट होता है। सीड डिस्पर्सल को और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं, आपको उससे और क्लियर होगा। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड व्हाट इट लीड्स टू। द प्रोसेस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स इनक्लोज्ड इन देम। द सीड्स आर द स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग द एम्ब्रियो विद इन। नाउ ऑल दैट्स रिक्वायर्ड इज प्रॉपर रूटिंग ऑफ द सीड्स इन द सॉयल। दिस विल रिजल्ट इन जर्मिनेशन and thus growth of a new plant. But now the question arises, how are these seeds fixed in the soil? Do they always get rooted near the parent plant from where they arise? Or sometimes at distances as well? Seeds can be dispersed to nearby or distant places as well, all thanks to the process of seed dispersal. The process by which seeds are dispersed to distant places by various agents is known as dispersal of seeds. Who are these agents? Seeds are transferred to various places by factors such as the wind, water, explosion, and animals. These agents make the process of dispersal of seeds easier. Let's now discuss about this process in detail. Our first agent of dispersal is the wind.
Seeds of plants like dandelions have parachute-like or hair-like structures attached that are so light in weight that they easily get carried away by the wind. Thus, even the seeds get carried to distant places. What is the next agent we have in our list? It's water. Fruits which float, such as those of the lotus and coconut palm, are carried by water. You won't believe that coconuts can travel for thousands of kilometers across seas and oceans. Hard to believe, but they do. What is the next type of dispersal? Let me name it for you. It's called the dispersal by explosion. Did I just say explosion? You heard me right. Then what exactly explodes in a plant? In some cases, fruits or pods containing seeds burst on their own. The pods dry and split open suddenly with considerable force, which throws the seed at a distance. What are the examples of such type? We have plants like broom and peas, which belong to this category. Now, these were all the abiotic agents. Last in the list are the biotic agents, which we need to have a look at. Biotic means living organisms. So, are animals also responsible for dispersal of seeds? Yes, they are. Tell me one thing. What do we do with the seeds after eating juicy fruits? We generally throw away the seeds, right? Yes, that is how seeds from a plant growing in one area reach a completely different area. Plants are even benefited with the seed dispersal by animals. To understand this, let's take the simple example of birds. Birds also relish on the juicy fruits that have seeds within. In many cases, the seeds of the plants are too tough to germinate if planted directly into the soil. Now, if such a fruit is consumed by a bird, then the seed does not get digested in the bird's body and is thrown away directly. However, the hard seed cover softens a bit due to the chemical activity of the acids present in the bird's stomach. So, as the seed passes through the bird's gut, it gets soft, and when it drops on the ground and gets rooted, it becomes easy for the seed to germinate. This is how animals can help in far and wide dispersal of seeds. Can you name some seeds which belong to this category? Blackberry, cherry, apple, and so many pulpy fruits have seeds that are dispersed by animals. Now tell me, why do we need this dispersal process? I mean, what will happen if the seeds from the parent plant get planted near it? Being near the parent plant would severely affect the growth and development of both the plants. And why so? The two will start competing for sunlight and water. That is the reason why seed dispersal is extremely useful for plants. I think it's clear. Yes, class. I think it's clear. And इसके साथ आपका चैप्टर जो है टोटली एंड है. आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर.